हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, ऑब्स्टैकल अलजेब्रा का एक टॉपिक क्वेश्चन लिया है, ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, चाहे हम IIT जैम का एग्जाम दें, गेट दें या फिर हमारा CSIR नेट, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है और आंसर की बात। आंसर तो हम एक छोटे से फार्मूले से विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको हम निकाल सकते हैं, द ट्रिक, ठीक है। बट इसके टोटल फॉर्मेट में ये कैसे आंसर आता है उस पर हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी टैब के प्रोवाइड किया था, चैनल के, यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ से है। अंदर थिंग्स आप मेरे चैनल AM Maths ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, उसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे WhatsApp ग्रुप IIT जैम और CSIR नेट गेट के WhatsApp ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, बट WhatsApp ग्रुप को फ्री नहीं है, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे हुए हैं। तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और अपने ग्रुप डिस्कशंस के लिए वर्कआउट वहां पे कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस पे बात करते हैं। सिंपल सा करेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन ए ग्रुप ऑफ दिस जी a^5 इक्वल टू ई ए बी ए इनवर्स इज बी स्क्वायर, सो ए बी, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी। एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा कि हम अगर इस फॉर्मेट में हो, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो समझ रहे, ये फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो उसमें हमें आंसर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ बी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये होता है 2 के पावर ऑर्डर ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। 2 के पावर, ये 2 है, बी स्क्वायर है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, दैट इज इस फॉर्मेट की बात करते हैं हम। तो ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर है 2 के पावर ऑर्डर ऑफ ए माइनस 1 की बात हो जाएगी। तो अब अगर ऐसी कंडीशंस को फुलफिल हमें करना है तो ध्यान रखिएगा, अब जैसे पहले वाले आंसर की बात, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 5 है, मतलब 2 के पावर 5 माइनस 1, दैट इज 32 माइनस 1 31। क्वेश्चन 2 की बात कर लें, यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर है, यहाँ पे ऑर्डर ए के कितने 4 है, तो 2 के पावर 4 माइनस 1 16 माइनस 1 15। और थर्ड की बात करें तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 के पावर 3, ये है आपका ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और फिर माइनस 1, सो दैट इज द 7। तो 31 15 एंड 7, सो दिस इज 31 15 7। ये तो आंसर की बात हो गई कि इसको हम, इस तरह के आंसर को हम कैसे फाइंड आउट कर पाए लॉजिकली। बट अब एक प्रोसेस फॉलो हम अप्लाई करेंगे कि सिस्टम को हम कैसे, अगर हमें फाइंड आउट करना हो, प्रूफ करना हो, तो हम कैसे करें इसको। ये तो आंसर की बात हो गई सिर्फ, तो आइए हम एक आंसर की बात, अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी के सारे आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इस थर्ड वाले में, ओ जो दिया है ये ऑपरेटर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया है ए बी ए इनवर्स, और ध्यान रखिएगा दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है ये। अब दोनों पर जो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स होल स्क्वायर। तो हियर तो बी पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, ठीक। इट कैन बी रिटन एज ए बी ए ए इनवर्स, ये इसके साथ, सॉरी, ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, ये कंसेप्ट चलेगा इस तरह से। तो ये आइडेंटिटी हो गया, मतलब आपका जो है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी। सो अब हमें फिर से क्या मिल जाएगा, बी पावर 4 ए बी बी ए इनवर्स इम्प्लाई दैट ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, ये वर्कआउट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ए बी स्क्वायर हो गया, अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा करके फिर से यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए दिस इज 1 है, ये 2 है, तो यूजिंग 1, यूजिंग 1, तो बी पावर 4 इज इक्वल टू ए, फिर ए बी
ए इनवर्स ठीक है, ये पुट कर दिया वैल्यू हमने। अब देखिए बी पावर फोर ए क्या हो गया, यहां पे ए स्क्वायर हो गया बी, फिर ए पावर ऑफ माइनस टू, ये वर्कआउट मिल गया। अब हम फिर से इसका वर्क करेंगे तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बी पावर फोर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ माइनस टू और फिर ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ माइनस टू, ये वर्कआउट। तो फिर से ये टर्म्स जो हमारा है ज्वाइंट हो जाए एक साथ आ जाएगा, तो इसको हम फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ माइनस टू ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ माइनस टू, ये आइडेंटिटी हो गया दैट कंसेप्ट। तो रिमेनिंग अब फिर से वर्कआउट यहाँ हो गया बी के पावर एट इज इक्वल टू बी पावर ऑफ एट, अब यहाँ रखिएगा यहाँ पे क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, ये वन आइडेंटिटी बी इंटू बी बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर ए पावर ऑफ माइनस टू कंसेप्ट। अब अगेन पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर हियर, तो बी स्क्वायर की वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, ए स्क्वायर ये वैल्यू ए बी ए इनवर्स ए पावर ऑफ माइनस टू, तो अगेन वी कैन राइट डाउन ए क्यू बी और ए पावर ऑफ माइनस थ्री, इट मीन्स बी पावर ऑफ एट इज इक्वल टू ए क्यू बी ए पावर ऑफ माइनस थ्री मिल गया। नेक्स्ट थिंग अब क्या करेंगे, फिर से इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें कहां तक जाना है, यहां तक जाना है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना हमें 5 है, तो हमें इस 5 तक जाना है, मतलब ए रेस टू 5, ए रेस टू 5 तक हमें इसमें वर्कआउट करना है। जब तक ए रेस टू 5 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तो ए रेस टू 5 फिर अगेन स्क्वायर कर दीजिए, जैसे बी पावर ऑफ 8 पावर ऑफ 2 दिस इज ए क्यू बी ए पावर ऑफ माइनस थ्री, ए क्यू बी ए पावर ऑफ माइनस थ्री, सो अगेन वी कैन सिंप्लीफाई, सो द हियर ए क्यू बी और ए पावर ऑफ सॉरी बी स्क्वायर ए पावर ऑफ माइनस थ्री, जब आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ये वर्क मिलेगा। अब फिर से ये बी स्क्वायर की वैल्यूज को यहां से पुट अप कर देंगे, ये हो गया बी के पावर ऑफ 16 और यहां पे हो जाएगा आपका ए क्यू ए बी ए इनवर्स ए पावर ऑफ माइनस थ्री, सिंप्लीफाई ए पावर ऑफ 4 बी ए पावर ऑफ 4 बी और फिर ए पावर ऑफ माइनस 4 एंड बी पावर ऑफ 16, ठीक। अब अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई, अगेन बी पावर ऑफ 16 पावर ऑफ 2 ए पावर 4 बी ए पावर माइनस 4 दिस इज ए पावर 4 बी ए पावर ऑफ माइनस 4, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, हियर बी पावर ऑफ 32 इंप्लाइज दैट ए पावर 4 फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर और ए पावर ऑफ माइनस 4 सॉरी एंड पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अगेन, तो ए पावर 4 वहाँ से ए बी ए इनवर्स ए पावर माइनस 4, सो इम्प्लाई दैट बी पावर 32 इज इक्वल टू ए पावर 5 बी ए पावर माइनस 5, ठीक है। और वी नो दैट इज द ए पावर 5 इज इक्वल टू ई, तो आइडेंटिटी है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मतलब बी के पावर 32 इज इक्वल टू ई बी ई, सो दैट विल बी 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 पावर 32 इम्प्लाई दैट बी पावर 31 इज इक्वल टू ई, सो बी पावर 31 इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी, सो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31। तो ये है टोटल प्रोसेस, इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करके हम ये आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो इसे आप याद रखेंगे, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना। आइए अब हम एक और ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद की बात हम कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है आपको 3, मतलब ए क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है ई आइडेंटिटीज, ठीक है, ये पता आपको। ग्रुप ऑफ एन ए ओ बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, ऑपरेटर दिया हुआ है तो मैं सिर्फ ए बी ए इनवर्स ही लिखूंगा और दिस इज बी स्क्वायर, ठीक है। इस ऑपरेटर को मैं हटा दे रहा हूँ, कोई ऑपरेटर हर बार अप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जी ओ बी द ग्रुप ऑफ दिस समथिंग, तो प्रोसेस वही हमें अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ बी स्क्वायर है तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स दिस इज 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वर्क कर दीजिए दोनों तरह का स्क्वायरिंग, तो दैट इज बी पावर ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेशन जैसे ही कर देंगे ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, और ये मिलके हमारा होता है ई आइडेंटिटी हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, बी पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ देखिए ए बी 1 हो गया बी ए इनवर्स ए बी स्क्वायर ए पावर ऑफ -1। अब फिर से बी स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ से पुट अप कर देंगे, ये वाला कंसेप्ट, तो पुट द वैल्यू ऑफ बी, तो बी पावर 4 इज इक्वल टू ए ए बी ए इनवर्स ए पावर ऑफ -1। सिंप्लीफाई करिए ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ -2 तो बी पावर ऑफ 4। अब बी पावर 4 बट हमें चाहिए क्यूब, तो हम क्या करेंगे अगेन फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे, बी पावर 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ -2, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ -2, सो अरेंजमेंट इज बी पावर ऑफ 8 ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ -2 ए स्क्वायर बी ए पावर ऑफ -2, ये ई हो गया तो आपको बचा ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर और ए पावर ऑफ -2, एक नॉर्मल सा अरेंजमेंट। और अगेन पुट द वैल्यू ऑफ दिस, बी पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, बी ए बी ए इनवर्स एंड दिस ए पावर ऑफ -2, सिंपल, तो ए क्यू बी ए पावर ऑफ -3 दिस इज बी पावर ऑफ 8। और ये हमने सीखा है अभी यहाँ पे ए ऑफ क्यू इज इक्वल टू ई आइडेंटिटीज है, तो आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे बी पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ई बी इज आप कह सकते हो, तो बी पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू बी। ये कट नहीं करना आपको है, सिंपल सा जो प्रोसेस उसी को फॉलो कर लेना है, तो इम्प्लाई दैट बी पावर 8 अगर आप चाहें बी इनवर्स कर सकते हैं और बी बी इनवर्स, सो दैट इज योर बी पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ई आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो गया, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ई सॉरी ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 7, ये तो हमें वर्कआउट करना है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटीज से रिलेटेड, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 7। तो दो चीज़ें हो गई, एक फार्मूले से हमने उस ट्रिक को समझ लिया और एक ये सिस्टमेटिक टोटल फॉलो प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। बन गया पापा।